नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान, आज हूँ डांभुरनी। आज 27/11/2021 सिकना सिकाना किसान पाठशाला के ऊपर ये रेवा G9 का पौधा लगा हुआ है, 7x5 डबल लेटरल एक्सपोर्ट थीम के हिसाब से इन्होंने केले का पौधा लगा हुआ है। बाकी पिछले 2 साल से बी किसान को ये फॉलो कर रहे हैं और बी किसान के साथ चल रहे हैं। एक्सपोर्ट थीम के हिसाब से इन्होंने 7x5 लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट, डबल लेटरल और बेड अगर देखेंगे तो कम से कम 3 फीट का बेड इन्होंने बनाया है। स्टम की मोटाई, हाइट, हेल्थ, शायद मेरे हिसाब से जून में ये पौधा लगा हुआ है। स्टम्प अगर हम देखेंगे तो ऑल प्लांट एक सरी के है और स्टम करीबन 36 से 38 के लगभग होगा। आइए किसान से ही समझते हैं। किसान का अगर खेत की तरफ पूरा ध्यान हो, मतलब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, ग्राफ और फिर रेवा ही इनके साथ में, हर पौधे का स्टेम्प और मैच्योरिटी अगर देखेंगे तो पूरा रेडिश तना है। पौधे की हाइट, हेल्थ एकदम प्रीमियम है। आइए किसान से ही समझते हैं। किसान काफ़ी एग्रेसिव फार्मर है और काफ़ी सालों से केले में है। राम राम। रामकृष्ण हरि। आपका नाम? मेरा नाम प्रफुल्ल एम चंद्रवाणी, दामुणी, तालुका यावल, जिला जळगाव। ये कौन सा प्लांट लगा हुआ है और कब लगा हुआ है? ये रेवा G9 प्लांट्स है और ये 7 जून को इसकी लागवड़ हो गई है। कितना प्लांट लगा हुआ है ये? ये 12,000 लागवड़ है टोटल। वन टाइमिंग प्लांटेशन किया हुआ है आपने? वन टाइम। रेवा लगाने से और बी किसान के साथ चलने से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, थोड़ा से किसानों को बताना चाहेंगे? ये इसका सब जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वगैरह व्यवस्थित किया है एकदम, और इसका ग्रोथ वगैरह एकदम बढ़िया लगा मेरे को। बाकी का जो प्लांट्स है उसके बराबर में, बाकी का कंपनीज का जो प्लांट्स रहता है उसके बराबर में ये इसका अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, बाकी प्लांट की तुलना में ये अच्छा है? अच्छा है, बराबर। इसकी स्टम की मोटाई वगैरह? स्टम की मोटाई 34-36 ऐसा है अभी तक। बराबर। अगर शायद ये अगर स्टम हम गिने तो पवन भाई थोड़ा सा स्टम दिखाइए। हर पौधा ओके एकदम बढ़िया है, रेडिश पर। और मोटाई अगर हम देखें तो 36, 38, 34 है ना, मतलब ऑल प्लांट जो है एक समान है। 35 से आगे सब, मतलब पूरे प्लांट जो है एक समान है। सात जून की लागवड है, प्लांटेशन डेट है। आज की डेट में हम अगर देखें तो काफ़ी सारे व्यक्तियों को मैं बताना चाहूँगा कि करपा और सिगाटोका काफ़ी प्लॉट में आ गया है। और दूसरी बात, किसानों का कहना है कि इस साल में वातावरण गड़बड़िया या जो भी रहा है, लेकिन उसमें भी किसान ने अगर न्यूट्रिशन गेन प्रॉपर किया है तो इस तरह का पौधा आप बना सकते हो। बराबर। वाटर इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ चुका रहता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की वजह से। बेड भी काफी सुंदर बना के रखा है, जो एक्सपोर्ट की थीम है आपने काफी अच्छे से समझ ली है, है ना। 7x5 फीट का इसका डिस्टेंस है, दो लेटरल है। बाकी पौधे में रेडिश और हर पत्ता अपने आप में मतलब ग्रीन है। दूसरा, स्टम्प में अगर बताना चाहूँ तो हर पौधे का स्टम्प एक जैसा ही है। जो अनइवन ये सारी चीज़ें जो है शायद मुझे तो नहीं देखने को यहाँ पे मिल रही है। पत्तों को फाड़ दिया है। ये देखो एकदम बढ़िया, हर लाइन में मतलब मैच्योरिटी, स्टम्प एकदम बढ़िया है, हेल्दी है, एकदम बढ़िया। इसमें आने वाली फसल भी एकदम प्रीमियम रहेगी, है ना। एकदम।
किसानों को मैं बताना चाहूँगा, अगर रेवा जी ना इनका प्लांट आपको देखना है 7x5 पर, तो आप डामुरनी में आकर देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपोर्ट गाइडलाइन या फिर बी किसान को जो समझा है और रेवा के प्लांट लगाने के बाद में इनको जो रिजल्ट मिला है, ये आप यहाँ पे खुद आकर देख सकते हो। थैंक यू भारत। कुछ व्यक्ति जुड़े हुए अपने साथ में, पवन भैया, इनका भी मैं परिचय देना चाहूँगा, इनसे भी आप बात कर सकते हो। मुक्ताई नगर में अभी फरवरी, दिसंबर, जनवरी, मार्च पौधा प्लांटेशन बुकिंग चालू है, बराबर। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। मैं गणेश किसान, मेरा नंबर है 76974-38222। पवन भाई से भी आप संपर्क कर सकते हो। पवन भाई का मैं थोड़ा परिचय बताना चाहूँगा। जी नमस्ते, मैं पवन पाटिल, मुक्ताई नगर, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से। कोई किसान किसान पाठशाला से जुड़ना चाहता है या रेवा का पौधा बुक करना चाहता है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9766775357। पवन भाई जी, मैं बताना चाहूँगा कि कल हम रावेर तहसील में थे, आज यावल में आ चुके हैं जी। रावेर और यावल में क्या डिफरेंस लगा? रावेर के किसानों से यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इधर आइए एक बार इधर आइए और समझिए कि किसान क्या कर रहे हैं। बराबर बराबर है, मतलब किसानों को पौधा या फिर सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, उनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और वातावरण के हिसाब से पौधे को समझकर उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए उस हिसाब से अगर हम चले तो फिर पौधा आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। और केले का जो प्रॉपर ग्राफ है उसको मिलना ही चाहिए। हाँ, ये रेवा G9 का पौधा लगा हुआ है, है ना जी। ठीक है, रेवा कम साइकिल के पौधे की खासियत है। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत। थैंक यू।